photo. Don't forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart, and my heart is where you are. I still think of you, I want you coming back. Hey guys, welcome back to the channel. तो आज हम जा रहे हैं सुल्तानपुर नेशनल पार्क, ये है गुड़गांव में. तो आइए गाइस चलते हैं अपनी इस जर्नी में. पार्क में आपको ये बर्ड लुकर्स के लिए है, आपको बर्ड्स मिलेंगे वहाँ पे. वैसे तो बोलने के लिए वहाँ पे 250 अलग अलग स्पीशीज हैं, बट देखते हैं किस्मत कितनी अच्छी रहती है, कितने मिलते हैं वहाँ पे. 25 तरह के भी मिल जाए तो अच्छी बात है. और क्या चुके हैं, तो आइए करते हैं एंट्री. तो फाइनली हमने कर ली है अपनी कार पार्क और हम चलते हैं अंदर, एंट्री करते हैं, टिकट लेते हैं. वो जस्ट सामने आप देख रहे होंगे, वो है टिकट काउंटर. हमारी 5-5 रुपए की हमारी की टिकट है, 10 रुपए और 10 रुपए गाड़ी की पार्किंग है, सिर्फ 20 रुपए में. ओके, 5 साल से छोटे बच्चों के लिए फ्री एंट्री है. इस जगह के बारे में मैं आपको बता दूं कि इसको नेशनल पार्क का दर्जा बाद में मिला, पहले इसको सिर्फ बर्ड सेंचुरी के नाम से जाना जाता था. और ये जो नाम है सुल्तानपुर, ये सुल्तान सिंह चौहान के नाम पे पड़ा. तो पृथ्वीराज चौहान को तो सभी जानते हैं, उन्हीं के कोई वंशज थे, वहीं से ये नाम आया सुल्तानपुर. और उसकी एक और बात भी है कि एकदम से ये डिस्कवर नहीं हुआ, तो अंग्रेज़ों के टाइम पे यहाँ पर कोई पीटर माइकल जैक्सन जो एक बर्ड लवर थे, वो उन्होंने यहाँ पर डिस्कवर किया था. तो उस टाइम उन्होंने इंदिरा गांधी जी जो हमारी प्राइम मिनिस्टर थी, उनको एक लेटर लिखा, उसमें बताया इस जगह के बारे में कि सुल्तानपुर में एक ऐसी जगह है जिसको बर्ड सेंचुरी का नाम दे देना चाहिए. तो इंदिरा गांधी जी ने कहा कि ठीक है, दिखाओ हमको. लेकिन किसी कारणवश वो वहाँ पर नहीं आ पाई, विज़िट नहीं कर पाई. लेकिन जो यहाँ के CM थे बंसीलाल जी, उनको लेटर लिखा गया था प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी जी ने, और तब इस जगह को एक नाम दिया गया सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी के नाम पे. तो यहाँ काफ़ी अच्छी जगह है, आप यहाँ पर आ सकते हैं. और यहाँ आने का सही टाइम है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी. इस समय आपको यहाँ पे ज़्यादा अच्छे बर्ड्स, ज़्यादा यूनिक बर्ड्स देखने को मिलेंगे. बर्ड्स का तो पता नहीं, लेकिन सबसे पहले हमको यहाँ पर गौ माता दिख गई और ये हमारी चिड़िया. तो आप यहाँ पे इस कार से भी जा सकते हो, लेकिन हम पैदल ही गए. क्लोजली देखना चाहते हो तो उसके लिए आप दूरबीन रेंट पे ले सकते हो, जो आपको 200 रुपए में अवेलेबल हो जाएगा, जो हमने भी लिया. तो दूरबीन से हम शूट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हो काफ़ी क्लियर दूरबीन से दिख रहा है नॉर्मल फ़ोन के हिसाब से. देखने का मेरा
बता दें यार, एक राउंड सर्कल है उसमें ऑलमोस्ट 75% हो गया है, 25% बचा है। बहुत लंबा रूट है, इतना लंबा रूट करने के लिए बेकार में है। अगर आप गाड़ी से आ रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज बस स्टार्टिंग का जो 25% है वो ज्यादा उतना ही बहुत है। उसी में आपको जो दिखेगा सब दिख जाएगा, उसके बाद कुछ नया कुछ नहीं है, बस आपको फालतू में आपका। या अगर आपको देखना है तो आप नवंबर दिसंबर जनवरी में आ सकते हैं, उस समय दिख जाए। लेकिन अभी तो सर्दियों में थोड़ा सा ज्यादा रहता है। हाँ, लेकिन अभी मार्च अप्रैल मई जून में कुछ नहीं दिखने वाला। तो यहाँ पे एक म्यूजियम भी है, आप वहाँ पर भी जा सकते हैं, लेकिन आज वो क्लोज था तो हम नहीं जा पाए। ऊपर एक छोटा सा म्यूजियम एक और है, लेकिन अभी हमें जाना है तो हम चलते हैं। फोटो तो कैसा लगाया? ठीक था, अच्छा टाइम पास था, लेकिन रास्ता काफी लंबा है। लेकिन पूरे रास्ते में आपको मतलब जरूरी नहीं है पूरे रास्ते आप घूमेंगे इसमें करके। एक गोल चक्कर है तालाब के आसपास में जो कि बहुत लंबा है, तो आपको दोनों साइड से स्टार्टिंग में 25% चाहे इधर जाओ चाहे इधर जाओ, बस यहीं पे आपको थोड़ा बहुत मिलेगा, बाकी आगे आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। आगे बस आप एक वीरान धूप वाले जंगल में एकदम बस चल रहे हो, उसमें आपको मिलेगा कुछ नहीं। और सबसे बड़ी बात, अंदर पीने के लिए कुछ नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, अपने छोटा मोटा बैग में ही कुछ लेके जाइए। तो ओके गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।